टी बसों के संचालन पूरी तरह से बंद होंगे। तो संविदा चालक और परिचालक नहीं करेंगे ड्यूटी। सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज कंपनी के हैं चालक और परिचालक और 140 बसों के ना चलने से जनता को खासा परेशानी होने वाली है। और इसी पर ज्यादा जानकारी साथ राहुल हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल, 140 बसों के ना चलने से जनता को परेशानी होगी, सिटी बसों के संचालन पूरी तरह से बंद हो रहा है, क्या कुछ और जानकारी मिल रही है? देखिए, निश्चित तौर पर जो सिटी बस के चालक हैं वो लगातार अपनी मांगों को लेकर सरकार से गुहार करते चले आ रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जब उनकी मांगे पूरी नहीं हुई है तब अब उन्होंने हड़ताल का फैसला लिया है। लगातार 2 दिन तक उन्होंने डिपो में प्रदर्शन किया है अपनी मांगों के पूरी होने को लेकर, लेकिन जब सरकार की तरफ से कोई भी उनको राहत वाली खबर नहीं मिली तो अब से सिटी बसों का संचालन पूरी तरह से उन्होंने बंद कर दिया है, जिससे 40 इलेक्ट्रिक बसें हैं और उसके अलावा 140 नॉर्मल बसें हैं वो आज सड़कों पर नहीं दौड़ेंगे। उसका सीधा सीधा खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि एक लाइफलाइन है, राजधानी लखनऊ की बात करें तो तमाम क्षेत्रों में जाती है, किराया कम होता है, इसलिए आम लोग उसका ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन जब आज बस नहीं चलेगी तो उसका सबसे ज्यादा परेशानी का सामना आम जनता को करना पड़ेगा। जी राहुल, अगर बात की जाए तो आखिर संचालन बंद करने के पीछे का क्या कारण बताया जा रहा है? देखिए, जो चालक है परिचालक है उनकी अलग अलग मांगे हैं, उनकी मांगे हैं कि रोड पे चलते हैं तो पुलिस उनको परेशान करती है, वो बंद किया जाए। साथ ही साथ जो उनको भत्ता दिया जाता है, जो उनको दैनिक भत्ता मिलता है उसमें वो बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। ये तमाम ऐसी मांगे हैं जिसको लेकर वो लगातार शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे थे, लेकिन जब उनकी नहीं सुनी गई तब उन्होंने आखिरकार ये फैसला लिया है कि आज से वो सिटी बसों का संचालन नहीं करेंगे, पूरी तरह से ठप कर दिया है। निश्चित तौर पर जो सड़कों का हाल है वो अभी तो, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा, जैसे जैसे दफ्तर का समय होगा तब इसकी स्थिति पता चलेगी कि लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक बड़ा वर्ग लखनऊ का इन बसों के सहारे घर से निकलता है अपने अपने गंतव्य जाने के, लेकिन जब आज बसें नहीं चलेंगी तो उसका सीधा सीधा खामियाजा, उसकी परेशानी की बात करें तो आम जनता को भी उठाना पड़ेगा। जी चलिए, शुक्रिया राहुल इन जानकारियों को देने के लिए। बड़ी खबर इस वक्त की राजधानी लखनऊ से, आपको बता दें लखनऊ में सिटी बसों के संचालन पर पूरी तरह से पाबंदी लगी, बंद हो चले हैं संविदा, आपको बता दें संविदा चालक और परिचालक भी नहीं करेंगे ड्यूटी। और इसी बीच एक और खबर आ रही है लखनऊ से, एक और खबर आपको बता दें, अब उत्तर प्रदेश में गायों के लिए काउ सफारी बनाने की तैयारी है। तो मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने विभागीय प्रस्ताव बनाने को कहा है। काउ सफारी में खुले में रह सकेंगे निराश्रित गौवंश, जल्द सीएम योगी के सामने रखा जाएगा इसके चलते प्रोजेक्ट। तो जिस प्रकार से योगी सरकार जो है गौवंशों के लिए लगातार प्रयास कर रही है, गौशालाएं बना रही है, लेकिन धरातल पर गौशालाएं जो है वो दम तोड़ती नजर आ रही है। और एक और अब काउ सफारी की बात सामने आई है, मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने काउ सफारी की बात सामने रखी है और खुले में रह सकेंगे निराश्रित गौवंश और जल्दी विभागीय स्तर पर एक प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन जो है वो सीएम योगी के सामने रखा जाएगा। और लखनऊ से इसी बीच एक और खबर आपको बता दें, ऑल इंडिया